गुरुभ्यो नमः ओं गं गणपतये नमः ओं हुं हनुमते नमः ओं रं रामाय नमः ओं मातेश्वर्ये नमो नमः ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओं शांति 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 हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं कुंभ राशि का। दिसंबर का महीना, राशिफल कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है, दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, तन मन धन जन गोप लक्ष्मी कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए, करियर शिक्षा छात्र व्यवसाय और भाग्य का सपोर्ट कितना रहेगा, कहां पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे कहां पर नहीं करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए, इसके बारे में विशद विवरणी विचार करेंगे। सबसे पहले इस विषय को जानें उससे पहले ग्रह गोचरीय स्थिति कुंभ राशि का विचार कर लेते हैं। कुंभ राशि के लग्न के ऊपर लग्नाधिपति मूल त्रिकोण कुंभ राशि के शनि बाबा मार्गीय अवस्था में, द्वितीय स्थान में राहु, तृतीय स्थान में गुरु बृहस्पति और कुंभ राशि का केतु अष्टम स्थान पर बैठे हुए, मलकंटक इत्यादि से सावधान रहना। नवम स्थान पर शुक्र, दशम स्थान में मंगल और सूर्य और लाभ स्थान पे कुंभ राशि का बुध भगवान चल रहे हैं। 17-18 तारीख को सूर्य संक्रांति के बाद सूर्य भगवान आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। तो दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए, दिसंबर का महीना कुंभ राशि के लिए सबसे पहले बात करेंगे आपका स्वास्थ्य। लग्न से लग्न के ऊपर अच्छा स्वास्थ्य रहना चाहिए, लेकिन मंगल का दृष्टि है, अच्छा स्वास्थ्य में कमी होने हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, कहीं पर छोटा मोटा एक्सीडेंट और चोट चपेट लग सकता है। सर को थोड़ा सा बचाना चाहिए, गाड़ी इत्यादि देख के चलाना चाहिए। तो शारीरिक स्वास्थ्य यद्यपि अच्छा रह सकता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी जरूर इसमें रहेगा। तनाव टेंशन दुख मन में विषाद किसी किसी का रह सकता है, सबका नहीं, तो ये परेशानी बिल्डअप हो सकता है, अदरवाइज अच्छा रहेगा। धन का स्थान में राहु बैठे हैं तो ये कंडीशन बहुत अच्छा ही कहूँगा, जब राहु देने आते हैं बढ़िया देने आते हैं तो आपके लिए अच्छा मिलने का संभावना यहाँ पर है। बात करते हैं पराक्रम, मित्र बंधु, छोटा भाई बहन, निकट यात्रा, ये कंडीशन कहीं ना कहीं कुंभ राशि के लिए गुरु बृहस्पति का स्थिति एक प्रकार का सपोर्टिव और अच्छा कंडीशन बना हुआ है। तो कम्युनिकेशन से मित्र बंधु से जरूर यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट, अच्छा सहायता, अच्छी यात्रा, उसमें सफलता दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कुंभ राशि के लिए इस दिसंबर का महीना, फोर्थ हाउस भूमि भवन वाहन माता सुख मन का परिस्थिति दिसंबर महीना में क्या रहने वाला है। देखिए ये कुंभ राशि का फोर्थ हाउस वृष राशि, इसके ऊपर मंगल केतु सूर्य, ऐसा मंगल ऐसा सूर्य जिसके ऊपर शनि और राहु का दृष्टि, नेचुरली यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। माया का स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, जमीन जायदाद इत्यादि खरीद फरोख में थोड़ा सा सावधानी बरतें, धोखा हो सकता है, परेशानी में पड़ सकते हैं, कुछ लोगों का जमीन जायदाद जा सकता है, नॉट सपोर्टिव रहेगा। बात करते हैं प्रेम प्यार कुंभ राशि के लिए। हाँ लाभ के स्थान में है तो प्रेम में प्रेम लाभ, प्रेम के से अच्छा फायदा, उस घर को बुध शुभ ग्रह बन के देख रहे हैं तो यहाँ गुड है। तो छात्रों के लिए पढ़ाई शिक्षा बढ़िया है, दिसंबर का महीना एकदम सपोर्टिव दिखाई दे रहा है, एग्जामिनेशन में भी क्लिक कर सकते हो तो ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का बात करते हैं, इस घर में गुरु और शनि का दृष्टि है, मिश्रित फल रहेगा। और भाग्य का बात करते हैं तो भाग्याधिपति कुंभ राशि का भाग्य के घर में तो और टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, किंतु ये क्योंकि पाप कर्तरी में है तो पिता का स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक प्रकार के बंधनयुक्त समस्याएं, आध्यात्मिक प्रगति होगा लेकिन फिर भी वहां पर कहीं ना कहीं बंधा हुआ सा अनुभव होगा। कर्म का क्षेत्र कहना ही नहीं है दशम स्थान में, लेकिन यहाँ क्योंकि दो पाप ग्रह का दृष्टि और दो पाप ग्रह का युति, कहीं ना कहीं ये थोड़ा प्रॉब्लमेबल क्रिएट कर सकता है। कुछ लोगों का नौकरी जा सकता है, कुछ लोगों का नौकरी मिल सकता है, कुछ लोगों का डिमोशन हो सकता है, कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों का ऐसा भी कंडीशन बनेगा ओवरलोड ऑफ वर्क पड़ सकता है, कुछ लोगों को मान सम्मान का प्राप्ति भी होगा, डिपेंड अपॉन योर कुंडली एंड बार चार्ट कंडीशन ऑफ आवर 10th हाउस। तो यहाँ एक प्रकार का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं एज ए कुंभ राशि।
लाभ का बात कहना ही नहीं है, कुंभ राशि इस महीना जरूर लाभ कमाएंगे अगर शनि साढ़े साथी कंट्रोल में आ चुका है, अदरवाइज 30% का माइनस रहेगा। तो ये कुंभ राशि के लिए दिसंबर का महीना का सिनेरियो है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के लिए कुछ गुड डेज एंड बैड डेज। 17, 18, 19 आपके लिए प्लानिंग वाला डेज रहेगा, जरूर प्लानिंग करें, मस्त रहेगा, टॉप रहेगा, सॉलिड रहेगा, लेकिन यात्रा वगैरह में थोड़ा परेशानी दिख रहा है। आपका 19, 20, 21 थोड़ा परेशानी युक्त रह सकता है, थोड़ा तनाव युक्त रह सकता है, सावधानी, मुंह को बंद करेंगे तो ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा, और मुंह चलाओगे तो फंसोगे। अच्छा, बात कर लेते हैं आपका 22, 23, 24 कुंभ के लिए, ये भी टॉप गुड बेस्ट सॉलिड सफलता लेके आने वाला है। थोड़ा परेशानी 24, 25, 26 कॉन्फिडेंस में कमी, भय कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता है, लेकिन फिर भी सफलता देने वाला है। 26, 27, 28, 26, 27, 28, 1 थोड़ा संभल के रहना, घात चंद्र योग जैसे दिखाई दे रहा है, और डिसीजन मत लो, थोड़ा रेस्ट जोन पे चलो। कुंभ राशि का बेस्ट डेज का गिनती में आएगा 2, 3, 4, 31, 30, 29 बढ़िया डे है, कर्म सफलता, आरोग्यता, सफलता मस्त है आपके लिए। कुंभ राशि का एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा, मस्ती और घात चंद्र दोनों रहेगा, 3, 4, 5 अच्छे रहेंगे। और उसके बाद आपके लिए कर्म में बाधा परेशानी लेके आएगा ये डेट 8 और 9। थोड़ा सा लेथर्जिक, प्रोकास्टिनेशन, काम करने का इच्छा नहीं होना, पड़े रहने का इच्छा होना 10 और 11। कार्य में सफलता, पुराने रुके हुए काम बनना, काम के लिए निकले तो ये डेट 11, 12, 13। लाभ प्राप्ति तगादा 13, 14, 15। अननेसरी खर्चा, यात्रा में परेशानी 16, 17 इनमें थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। कुंभ राशि का शनि साढ़े साथी जनित समस्याओं को, शनि साढ़े जनित बैकपुल को अगर कंट्रोल पे ले आए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं लाए हैं तो कुंभ राशि वाले विगत दिनों में कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो सबसे हायर टॉप शनि साढ़े साथी का अब तक जो केसेस आए हैं उसमें से जिनका प्रडिक्शन मैं किया था और कुछ लोगों को इस प्रकार का घटना घटे, कुछ कुंभ राशि जो सबसे टॉप पनिशमेंट, सांप काटने के द्वारा मृत्यु, कमर में और घुटने में प्रचंड व्यथा और उसका अस्त्रोपचार ट्रीटमेंट। कई कुंभ राशि वालों को हार्ट का भी प्रॉब्लम निकला है, कई कुंभ राशि वालों को नौकरी नहीं मिल रहा है और नौकरी मिलने में परेशानी, नया नौकरी मिलने में परेशानी, मसल्स में पेन, बिजनेस रुक जाना, धन का क्षय होना और पैसा नहीं आ पाना, पैसा का रुक जाना, दिए थे नहीं मिल रहा है, किसका व्यवसाय बंद हो गया है, किसका व्यवसाय चल रहा है, कुछ ऐसा भी और कंडीशन दिखाई देगा। कुछ कुंभ वालों का एक्सीडेंटल इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही पड़ा है, लड़की लड़का लबरा लबरी से धोखा इत्यादि का संभावना, कुछ का हो गया है, कुछ का बाकी है, मैरिज इत्यादि में डिवोर्स या रुकावट या वाद विवाद, और कुछ कुंभ वालों को सीवियर बीमारी। तो ऐसा कंडीशन साने साढ़े साथी से मुक्ति पाने के लिए शनि बाबा का जो भी पहले से बताया हूं उसके अनुसार करें और गीता यज्ञ तो जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।